हेलो, वेलकम टू कॉलेज किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं अलसी की पिनिया, और ये बिल्कुल नए तरीके से बनाई हुई है। इसमें हमने काले चने डाले हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो काले चने को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इनमें बिल्कुल कच्चापन न रहे, इसे अच्छे से लाल कर लेना है। ये देखिए, हमारे चने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी तरह हमने अलसी को भी रोस्ट कर लेना है। और इसे आटे की तरह बारीक पीस लेना है। अब हमने घी लिया है, उसे गर्म करने के बाद ये चने का आटा डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसे पहले ही हमने रोस्ट कर लिया, इसलिए इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पीसी हुई अलसी डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जैसे काजू, बादाम, ये सब, इसे हल्का सा हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, और साथ में गुड़ डाल देंगे। हमने इसमें शुगर नहीं डाली है, हमने इसमें गुड़ डाला हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें काले चने हैं और गुड़ है, तो इसे कोई भी खा सकता है। हमारी अलसी बनकर तैयार है। हल्का सा ठंडा होने पर इसकी पिनिया बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो जो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। लाइट क्यों चल गई है? तेरा लाइट चल गई।